हेलो फ्रेंड्स, राधा स्वामी, जय झूलेलाल, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल के कशिश की कहानियाँ। आज है ना जो मैं ये खाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में, ये क्या है? ये है सिंधी प्याज की कोकी। फ्रेंड्स, ये जो कोकी है ना, ये इंडिया में क्या, मुझे मुंह में बहुत पानी आ रहा है इसको खाना, जल्दी से मैं सोच रही हूँ कि वीडियो बना के खाऊँ। तो ये जो है कोकी, वो इंडिया में तो क्या मैं आपको बताऊं कि दुबई में भी ये इतनी फेमस है। दुबई में भी लोग कोकी खाना ब्रेकफास्ट में बहुत पसंद करते हैं। मैं खुद जब वहाँ पे थी इतने साल पहले, तो हम लोग जो है ना ब्रेकफास्ट में है ना कोकी मंगाते थे। लच्छू की कोकी एक वहाँ पे बहुत फेमस है, और भी बहुत सारे कोकी के शॉप्स हैं वहाँ पर, तो ये वहाँ पर बहुत खाई जाती है। और सिंधियों के घरों में तो फ्रेंड्स आपको नाश्ते में ऑलमोस्ट आए दिन जो है ना कोकी मिलेगी ही मिलेगी। और ये इतनी यम, इतनी डिलीशियस बनती है ना, मैं आपको बता, वर्ड्स में नहीं बता सकती। आप बनाइए, खाइए, तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी बनती है। तो मैं जब तक इन्जॉय करती हूँ अपना नाश्ता कोकी और चाय के संग में, और तब तक आप मेरी रेसिपी देखिए कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोकी बनाना। कोकी बनाने के लिए हमें जो चाहिए होगा वो मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। हमें चाहिए होगा प्याज, मेथी ऑप्शनल है, सीज़न में हो तो आप डालिए, अदरवाइज़ आप स्किप कर दीजिए, हरी मिर्ची, ज़ीरा, पुदीना, हरा धनिया। और ये देखिए मैंने गेहूं का आटा लिया है और उसमें मैं सारी चीज़ें एक एक करके डाल दूंगी। पहले मैंने इसमें प्याज डाला, अब मैं इसमें मेथी डाल रही हूँ, अब मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया, फिर मैं इसमें डाल दूंगी पुदीना, देन मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्ची, उसके बाद ज़ीरा, थोड़ी सी मैं इसमें फ्रेंड्स सौंफ भी डालूंगी, सौंफ का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप इसको मोयन के लिए ऑयल या घी दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। फिर नमक डाल दिया है मैंने, और रेड मिर्ची भी डाल दी है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अमचूर थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है। उसके बाद फ्रेंड्स मुझे इसका एक टाइट आटा लगाना है, मुझे सॉफ्ट नहीं लगाना है क्योंकि प्याज जो है वो पानी छोड़ता है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा टाइट आटा इसका लगा दिया है। अब मैंने तवा गरम करके फ्रेंड्स इसकी लोई लेके मैंने उसको हल्का सा चपटा करके अभी तवे, ये एक टिप है आपके लिए, ये अभी मैं उसको बना नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ एक टिप कि लोई बना के उसको हल्का सा चपटा करके तवे पे रखा है मैंने। और मैं इसको दोनों साइड से थोड़ा सा गोल्डन होने तक, थोड़ा हल्का सा ही गोल्डन होने तक सेकूंगी। ये मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि मुझे बेलने में कोकी को आसानी होए, क्योंकि जब हम कोकी को बेलते हैं ना तो थोड़ा सा वो मुश्किल होती है, और ये जो है ना करने से हमारी कोकी, हम आराम से उसको बेल सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना वो चिपकेगी ना वो टूटेगी, उसका शेप भी बहुत अच्छा होएगा। तो ये देखिए दोनों साइड से मैंने इसको हल्का हल्का सा सेका है। उसके बाद जो है स्लैब पर रखकर मैंने इसको बेल दिया है, और देखिए एक हाथ से मैं बेल रही हूँ तभी भी ये बेल आ गई है। तो ये है इसका रीज़न ये करने का। अब जो है कोकी को मैं निकाल कर और अपने गरम गरम तवे पर डाल दूंगी, ये देखिए, और इसको मैं दोनों साइड से सिम गैस पर, फ्रेंड्स फास्ट पर मत करना, सिम गैस पर दोनों साइड से सेकना है। और ये मैं चक्कू की हेल्प से इसमें ना थोड़ा थोड़ा ऐसे चीरा कर रही हूँ हल्का हल्का सा, ताकि ये अंदर तक सिक जाए, क्योंकि हमें इसे थोड़ा मोटा बेलना होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और अब मैं इसको, ये जब थोड़ी सी पक गई ना, तो मैं इसमें घी डाल के इसको दोनों तरफ से क्रिस्पी कर दूंगी, ब्राउन दोनों तरफ घी डाल के सेक दूंगी। आप चाहें तो आप ऑयल ले सकते हैं, टोटली अप टू यू। ये देखो कितनी क्रिस्पी ब्राउन, और ये देखिए फ्रेंड्स हमारी गर्मा गर्म सिंधी कोकी विद दही, अचार या चटनी, आप इसको किसी के भी संग एंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ भी आप इसे ले सकते हैं, और ट्रैवल में भी आप इसे लेकर जा सकते हैं। बट ट्रैवल में ये प्रॉब्लम है कि इसमें प्याज डलती है, तो ये एक दो दिन तक तो नहीं, बाकी ऐसे ही अगर आप लेकर जाना चाहें तो आप लेकर जा सकते हैं।
और ये बहुत यम लगती है। इंडिया में तो क्या, दुबई में भी लोग इसके फैंस हैं। ये सिंधी कोकी हमारी जो है आन बान शान है सिंधियों की, ये बहुत फेमस है और ये बहुत टेस्टी बनती है। और अधिकतर सिंधियों के घर में नाश्ते में सिंधी कोकी तो ज़रूर बनाई जाती है। तो जब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करती हूँ, आप मेरे चैनल को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।